हिमाचल प्रदेश में गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। हिमाचल में पारा 43 डिग्री पार हो चुका है। अधिकतम तापमान सामान्य से काफ़ी अधिक दर्ज किया गया है। मैदानी क्षेत्रों में बुरे हाल हैं, लेकिन मैदानी क्षेत्र के लोगों को 19 मई यानी कल कुछ राहत मिल सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की 18 मई की अपडेट के अनुसार आज मध्य पर्वतीय और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम खराब रह सकता है। 19 मई को पूरे हिमाचल में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। 18 मई को लू चलने के साथ आंधी तूफान और 19 मई को कुछ स्थानों पर आंधी तूफान को लेकर येलो अलर्ट जारी है। 20 मई से मैदानी क्षेत्रों में मौसम फिर से साफ रहने का अनुमान है। 20 को मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम खराब रह सकता है। 21 मई को उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम खराब रह सकता है। बाकी जगह मौसम साफ रहने की संभावना है। 22 मई से 24 मई तक सभी जगह मौसम साफ रहने का अनुमान है। पिछले 24 घंटे में हिमाचल में मौसम शुष्क रहा है। हिमाचल में न्यूनतम तापमान सामान्य और अधिकतम तापमान सामान्य से काफ़ी अधिक रिकॉर्ड किए गए हैं। 17 मई को ऊना का सबसे अधिक उच्चतम तापमान 43.2 डिग्री दर्ज किया गया है। आज कुकुमसेरी का सबसे कम न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज़, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।